नमस्कार साथियों, मैं आइडिया ऑफ भारत का एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और पिछली बार मैंने आइडिया ऑफ भारत पे बात की थी और उस पे मैंने आपसे बताया था कि कैसे भारतवर्ष का जो विचार है उसको न केवल भारतीय ग्रंथों में बल्कि जो विदेशी विद्वान है वो भी किस तरीके से उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस पर मैंने बात की थी। कुछ दर्शकों का और कुछ छात्रों का सजेशन आया था कि जो पावर पॉइंट मैंने आपसे जो शेयर किया था उसमें अंग्रेजी में स्लाइड्स थे, तो उसको हिंदी में भी अनुवाद करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैंने प्रयास किया कि इस बार जो मैं आपसे जो आइडिया भारत के जिस हिस्से पे बात करूंगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, और मैं चाहता हूं कि आपके समय सामने जो मैंने पिछला जो वीडियो पेश किया तो उसका एक छोटा रिव्यू के तौर पे पहले 5-10 मिनट में मैं उसको बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसके अगले हिस्से में जो कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष है, जो भारत जो नाम पड़ा उस पर मैं बात करूं। तो पहले मैं ये जो स्लाइड शो है मैं उसको स्टार्ट करना चाहूंगा और इसको स्लाइड जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आइडिया ऑफ भारत वर्ष, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत वर्ष जिस पर हम लोग बात करेंगे। और इसको आप जब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत के बारे में हम सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अलग दृष्टिकोण हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, और इसको कोशिश ये करना है इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि कोर्स अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालयों में इसको लागू किया जा रहा है, और बीए प्रथम वर्ष के में एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक मेजर के तौर पे इसको शुरू किया गया है। तो इस पेपर में जो बात की गई है कि भारतवर्ष कैसे बना या भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा उस पर बात होगी। और जैसा आप सब जानते हैं कि भारत का विस्तार कितना रहा है, और यदि हम जो वृहद भारतवर्ष जिसकी संकल्पना हम समझते हैं तो वो अफगानिस्तान की सीमाओं से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है, और इधर हिंद महासागर से लेके दक्षिण श्रीलंका तक फैला हुआ है। और आज जो हम देखते हैं जो बॉर्डर आज हमारे पास जो भारत है वो जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो वो भारत हमें दो हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान के रूप में, जिसमें कि हमने बहुत कह सकते हैं वो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था जब भारत को विभाजन झेलना पड़ा। और यदि मैं कहूँ साथियों कि जिस तरीके से भारत का जो विस्तार है वो आप सभी जानते हैं, और वर्तमान में जो भारत की जो जो क्षेत्रफल है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर जो उसका क्षेत्रफल है, इसमें 22 से अधिक भाषाएं हैं, 500 से अधिक बोलियां हैं, और भारत का अर्थ ही है कि डाइवर्सिटी के साथ, उसमें डाइवर्सिटी है, और उसके बावजूद एक खूबसूरती है जो सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ती है। ये देख पा रहे हैं बृहत भारत का जो नक्शा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट, बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें श्रीलंका तक शामिल है, ये बृहत भारत का नक्शा। और ये अकेला ऐसा, इकलौता ऐसा देश है जो जहाँ पे इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ निकले हैं, जहाँ पे जिसमें हिंदू मत है, बौद्ध, जैन, सिख, कई षड दर्शन रहा है, इस्लाम और ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये सारे धर्म हमारे इसमें समाहित रहे हैं। और एक अनुमान है कि 2030 तक हम चीन को पछाड़ के दुनिया के सबसे आबादी वाले सबसे बड़े देश हो जाएंगे, और इस तरीके से। और भारत जो है में हमें शुरू से ही, चाहे ईरानी हो, शक हो, हूण हो, कुषाण हो, गुर्जर हो, अलग अलग जातियां यहाँ पर चाहे वो आक्रमण करके यहाँ पे आई, और अफगान हो, तुर्क हो, अलग अलग जातियां, मुगल्स हो, पठान हो,
अलग अलग समय पे भारत पे आक्रमण करी, और यहाँ पे लेकिन उसकी खूबसूरती ये रही कि यहाँ आने के बाद वो जातियां यहीं पे रच बस गई, जिसको कि बहुत खूबसूरती से गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी दो लाइनों में, बांग्ला की दो लाइनें हैं जो पहले आपको सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ, हिथाय आर्य हिथाय अनार्य हिथाय द्रविड़ चीन शक हुण दल पठान मुगुल एक तो देहे हो डोली। ये जो मैं इसके पहले वाले स्लाइड में दिखा रहा था कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं और इसके कह सकते हैं मिली जुली संस्कृति के रूप में, और यही भारत की खूबसूरती रही है। और इसमें तमाम अलग अलग जातियां अलग अलग रंग का अलग अलग विचार के लोग अलग अलग इसके लोग हैं। और भारत आज की तारीख की बात करें तो दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है, और आज पूरी दुनिया जो है अपनी आर्थिक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखती है। तो भारत को हम उस तरीके से देखें, और मैं जो पिछली बार जो आइडिया ऑफ भारत के जो वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था उसको मैंने यहाँ से शुरू किया था। मैंने बताया था कि भारत या इंडिया जो जैसा दो नाम हमारे हैं, तो ये इस प्रकार के चुनिंदा ही देश हैं जो जिनके दो नाम हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद एक और खंड एक में हम ये बात को ये रेजोल्यूशन लिया गया कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ, और इस तरीके से भारत। और भारत तो वर्ष की जो बात है तो जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है वसुधैव कुटुंबकम, जो बात मैंने कही साथियों पहले इसके पहले के स्लाइड में कि भारत में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग रंग के लोग अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग कह सकते हैं खान पान रहन सहन वाले लोग मिलकर यहाँ पे रहते हैं, और एक प्रकार से एक छोटा विश्व जो लघु विश्व के रूप में हम देखते हैं, और हमारी जो विचारधारा रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही, पूरा विश्व एक परिवार है, और ये सबसे पहले हम देखते हैं महाउपनिषद के अध्याय 6 में मिलता है। भारत की जो जो अद्भुत बात है जो शायद दुनिया को आकर्षित करती है, उनमें से जापानीज जो बुद्धिस्ट फिलोसफर रहे दाइशिकु इकेडा वो भी मानते हैं कि भारत जो भूमि है उसकी जो सबसे बड़ी बात है वो तत्वम असी की बात करती है, और ये जो वर्ड है ये दुनिया के लिए कह सकते हैं मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान है। इसको मैं आगे की स्लाइड में बात करूंगा। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुका कि बृहदारण्यकोपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि कि मेरे अंदर ही ब्रह्म है, और फिर ये कहते हैं कि तत्त्वमसि जहाँ हम कहते हैं कि वह ब्रह्म तू है, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यह अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म, फिर हम ये कहते हैं कि सर्व खलविदम ब्रह्म हम सब के अंदर ब्रह्म है। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य मात्र के अंदर ही ईश्वर है और वो ईश्वर हम सब के अंदर है, और यही बात शायद हम सबको जोड़ती है, यही बात है जो हम दुनिया के तमाम उन संस्कृतियों को आत्मसात कर लेते हैं, यही बात रहा कि हमने सबको अपने भारत के महासागर में समा लिया, और यहाँ पे चाहे चीन आए चीन के लोग आए हो चाहे द्रविड़ हो चाहे आर्य हो अनार्य हो पठान हो द्रविड़ हो मुगल हो तमाम वो जातियां सब कुषाण जो भी जातियां रही वो इसमें एक प्रकार से इसमें इस महासागर में आकर मिल गई, और यही भारत को भारत बनाती है। और इसी संदर्भ में दुनिया के महानतम वैज्ञानिक जो कह सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो भारत को के बारे में अपनी बात अपने विचार रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं भारतीयों का बहुत ऋणी हूँ, हम भारतीयों से बहुत ऋणी इसलिए हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने हमको सिखाया था, मतलब कहते हैं कि भारत ही वो देश था जिसने दुनिया को कह सकते हैं गिनती सिखाया, यानी कि 0 दिया दशमलव दिया और दुनिया को ये बताया कि हम कैसे काउंट करें कैसे हम और बिना उस मैथमेटिक्स के 0 के डेसिमल के पाई के वैल्यू के कोई भी मुझे लगता है कि दुनिया के वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन का बात। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते हैं भारत भारत भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के बारे में, और वो इस बात के लिए वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं हम हमेशा भारत के ऋणी रहेंगे। इसी प्रकार से बेड ग्रिफिन जो एक और विद्वान है वो कहते हैं कि वैदिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेग्रेलिटी ऑफ थ्री वर्ल्ड्स
फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इज प्रोफाउंडली हॉलिस्टिक विजन। और उस समग्र दृष्टि की बात करते हैं कि वैदिक जो ज्ञान है उसमें तमाम भौतिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, ये सारे चीजों का जो निचोड़ है वो एक समग्रता के साथ उन वैदिक ज्ञान के अंतर्गत। तो वो इस बात को मानते हैं कि जो भारतीय जो जो परंपरा की जो सबसे बड़ी जो देन है वो है वैदिक जो वेद है, वो सबसे बड़ी दुनिया को कंट्रीब्यूशन। और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में इसको एक दूसरे तरीके से हम देखते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी, सिंप्लिसिटी, परसुट ऑफ ट्रूथ, डिग्निटी ऑफ लेबर, यूनिवर्सल टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ये सारी बातें जो मैं अभी एक्सेप्ट जब हम बात कर रहे थे अहम ब्रह्मास्मि की, और मैं जब तत्वमसि की बात कर रहा था, या सर्व खलविदम ब्रह्म की बात हुई थी, या वसुदेव कुटुंबकम की बात हुई, ये सारे वैल्यूज उन्हीं का निचोड़ है। और इस तरीके से और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेदों में मोक्ष की बात है, फोर फोल्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं। ये सब बातें मैंने साथियों पिछले वीडियो में बात की, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको आज इसके इस वीडियो के दो हिस्से हैं, क्योंकि पिछला वीडियो जो जिसमें मैंने बात की थी तो उनसे कोरिलेट करते हुए इसी को हम आगे बढ़ते हैं। और जो भारतीय सभ्यता में दो चीजें हैं, एक है पुरुषार्थ की बात जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और दूसरा कि जो जीवन को एक प्रकार से उसके आदर्श के रूप में चार हिस्सों में बताया है कि ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये एक जो चीज है जो भारतीय जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको दिखलाता है कि किस स्पिरिचुअलिटी को हम बिलोंग करते हैं। और जो सिंप्लिसिटी की बात है, जो वे ऑफ लाइफ है, लिविंग्स है जो हमारी, वो हमारे बड़े जितने संत रहे, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक, चाहे 20th century में गांधी, इन्होंने ये बतलाया कि हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बहुत सिंपल रह के भी हम जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम ईमानदारी के साथ, मॉरलिटी के साथ, कॉपरेशन के साथ, उस टॉलरेंस के साथ इस जीवन को रह सकते हैं। ट्रुथ की बात, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जो परसिट ऑफ ट्रुथ है उसकी जो बात है वो शायद हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं और दुनिया को, और जो कि मुंडको उपनिषद में जो हमारा आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते नान्युतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः येनात् क्रम मृत्युषु व्याप्त कामो यत्र तत्से परम निधारम। मुंडको उपनिषद का ये जो जो दो लाइनें हैं ये बतलाती हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, और ये बताने की कोशिश है कि किस प्रकार से सत्य ही सब कुछ है। और इसी प्रकार से एक बात और कही गई है कि न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी प्रकार से वेद व्यास ने कहा है सत्य ही परम ब्रह्म। ये सारी बातें साथियों मैंने आपसे की हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। और वेद व्यास और भी कहते हैं कि सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपि हितम वदेत, अच्छा बोलने से अच्छा है सच बोलना। और ये इसी प्रकार से चाणक्य भी सत्य की महिमा को स्वीकारते हैं। और पिछली बार जब मैंने इस को दिया तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने उसका हिंदी में भी अनुवाद किया है। और धर्मु न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान, वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैं सोई धर्मु सुलभ करी पावा, तजे तीहूं पुर अपजशु छावा। तुलसीदास कहते हैं कि मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है जिसमें जो सत्य रूप धर्म है, जो जो त्याग करने से तीनों जिसके जिसके त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा गया। यानी कहते हैं कि सत्य इतना बड़ा धर्म है कि इसको इसको धारण करने से ही हमारा हमारा मंगल हो सकता है। यदि हम इसको त्याग करते हैं तो पूरी दुनिया में अपयश, यहाँ एक प्रकार से वो कालिमा छा जाएगी, इसकी बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो कर्म की बात की गई है, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की है, श्रम की महिमा की बात की गई है, जिसके बारे में 20वीं शताब्दी में गांधी ने उसको बहुत सरल तरीके से कहा कि हमको श्रम को महत्व देना होगा। और उस बात को वो कहते हैं भारत जैसे देश में हमको श्रम का महत्व, डिग्निटी ऑफ लेबर को इम्पोर्टेंस देना ही होगा, क्योंकि भारत वो देश नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बल पर चलाया जाए। भारत वो देश है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, इसको टेक्नोलॉजी से जब रिप्लेस करते हैं
हम ह्यूमन लेबर रिप्लेस होता है, तो एक प्रकार से बेरोजगारी और तमाम चीजें आती हैं। तो हमारा जो जो पूरा भारत का जो कॉन्सेप्ट रहा है, और ये भगवद गीता के अध्याय 2 में श्लोक 47 में मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कतिचन। तो कहने की बात ये है कि कर्म सबसे बड़ा, कर्म को ही हमको ध्यान देना है, और यदि हम कर्म से विमुख होते हैं, मुझे लगता है कि हम उस मेटरिस्टिक वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यही बात पूरे हमारे ग्रंथों में की गई, और डिग्निटी ऑफ लेबर को चाहे कबीर हो, चाहे नामदेव हो, गुरु रविदास हो, चाहे गुरु नानक, तमाम वो लोग इसकी महिमा की गुणगान करते हैं। यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात यदि हम करें, तो जो सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म भी कहा गया, और सनातन धर्म जो है टॉलरेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है। इसके अलावा चाहे भारत में अशोक हो, हर्ष हो, कनिष्क हो, अकबर, ऐसे राजा रहे जिन्होंने टॉलरेंस को, हार्मनी को, यूनिटी को फोकस किया, उस पर बात की। और ये इंडियन वैल्यूज हैं जिनकी बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी, जिसमें कि फेथ इन गॉड, टॉलरेंस, स्पिरिचुअलिज्म, नॉन वायलेंस, कर्टसी, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बात की हैं, इसलिए इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और ये बातें भी मैंने की थी साथियों आपसे, और मैंने बताया था कि कैसे दुनिया के विद्वान भारत की महिमा का गुणगान करते हैं, और बार बार इसमें कहते हैं कि मार्क ट्वेन, जो बहुत भारतीयों भारतीयों से बहुत प्रभावित दिखाई देते हैं, भारतीय जो दर्शन है, जो भारतीय संस्कृति है, उससे बहुत प्रभावित, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की जो जाति है, जो रेस है, उसके उसका लेट अस रिमेम्बर दैट इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस, हमारी जाति की मातृभूमि, संस्कृत और यूरोप भाषाओं की जननी, वो हमारे दर्शन जननी, और अरबों के माध्यम से जो गणित, भारत से बुद्ध के माध्यम से ईसाई धर्म, आदर्शों की बात जो है, ग्राम समुदाय के माध्यम से स्वशासन की बात जो है, ये सारी बातें, इवन ये कहते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की माँ है, और भारत माता कई मायनों में हम सब की माता है। ये एक प्रकार से वो उनका ये दिखाता है कि भारतीय के प्रति उनकी क्या भावना थी, और इसी इस चीज को मार्क ट्वेन आगे भी कहते हैं कि भारत मानव जाति का पालना है, और मानव भाषा का जन्म स्थान, और इतिहास की जननी है, और जो और किंवदंतियों या आख्यानों की दादी, और परंपरा की परदादी, इस प्रकार से वो कहते हैं, और मानव के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री सुरक्षित है। और ये मार्क ट्वेन भारतीय इसको एक प्रकार से एक्नॉलेज करते हैं। इसी प्रकार से डेविड फ्रॉली जो है पुष्टि करते हैं कि वैदिक धर्म एक व्यापक संस्कृति है जो सभी जीवन को गले लगाती है, न कि एक पंथ को धर्मांतरित करती। मतलब सनातन धर्म के बारे में वो कहते हैं कि वो ऐसा धर्म है जो सबको एक्सेप्ट करता है, जो यूनिवर्सल टॉलरेंस की जो बात की है, जो एक्सेप्टेंस की बात की गई है, उसी बात को डेविड फ्रॉली एक प्रकार से एक्नॉलेज करते हैं, उस बात को कहते हैं। एल बॉसम कहते हैं कि दुनिया में जो चार प्रमुख सभ्यताएं हुई, उनमें से भारतीय उपमहाद्वीप के में आमतौर पर जो श्रेय दिया जाता है उसको सबसे कम दिया जाता है, लेकिन उसको बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए। जो जो क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, कोर सिविलाइजेशन की बात होती है, तो उसमें भारतीय उपमहाद्वीप को खास करके ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए। एल बॉशम आगे जब कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी देश में भारत के रूप में इतनी लंबी सांस्कृतिक निरंतरता नहीं है, जहां आज भी ब्राह्मण वही वैदिक भजन गाते हैं जो 3,000 साल पहले भी रचे गए थे, वो इस बात पे आश्चर्य करते हैं। एल बॉशम इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि जो वेद लिखे गए आज से 3,500 साल, 3,000 साल पहले, उनको दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इतने पुराने टेक्स्ट को आज भी अपने साथ आत्मसात किया हुआ है, और आज भी भारत के जो ब्राह्मण हैं उन वैदिक जो श्लोक हैं उनको उनका पाठ करते हैं। तो ये जो चीज दिखाता है कि जो कल्चरल कंटिन्यूटी है वो दिखाई देती है भारत। इसी एस्पेक्ट में मैक्स मूलर जो जर्मन के फिलोसफर रहे और भाषाविद रहे, और वो भारत पर और पश्चिम पूर्वी देशों पर उन्होंने 50 खंडों में लिखा कि अपनी किताब लिखी, द सेक्रेट सीरीज ऑफ हिस्ट्रीज की किताबें लिखी, तो उन्होंने वो कहते हैं कि यदि उन्हें से पूछा जाए कि किस साहित्य में संशोधन, यदि यूरोप के साहित्य में कोई संशोधन करना है, उसको आंतरिक रूप से और परिपूर्ण करना है, उसको और सार्वभौमिक बनाना है, और मानवीय बनाना है, तो वो किस किस तरफ कहेंगे, तो उनका कहना है कि मैं भारत की ओर इशारा करूँ, यानी कि यूरोप की साहित्य में यदि कहीं कुछ अपूर्णता है और उसमें कुछ परिपूर्णता चाहिए, उसको और मानवीय बनाना है, और यदि और यूनिवर्सल बनाना है, तो वो कहते हैं कि मुझे आई शुड पॉइंट टू इंडिया, मैं भारत की ओर इशारा करूंगा।
इसी इसमें हेनरी डेविड थोरो की एक बात है और वो बहुत अद्भुत बात कहते हैं कि व्हाट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द वेदास आई हैव रीड फॉल ऑन मी लाइक द लाइट ऑफ अ हायर एंड प्यूरर लिमिनरी व्हिच डिस्क्राइब्स द लॉफ्टियर कोर्स थ्रू अ प्यूरर स्ट्रैटम एंड राइजेस ऑन मी लाइक द फुल मून आफ्टर द स्टार्स हैव कम आउट एंड वेडिंग थ्रू सम स्ट्रैटम इन द स्काई। और हेनरी डेविड थोरो वही है साथियों जिन्होंने सविनय अवज्ञा की बात, सिविल डिसोबीडियंस या पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी और जिसको गांधी ने भारत में साकार किया था 1930 के दशक में जब उन्होंने नमक कानून तोड़ने की बात की और एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। तो वो जो विचार गांधी ने लिया था सविनय अवज्ञा का, वो हेनरी डेविड थोरो थे, एक विचारक है, अमेरिकन जो विचारक थे उनसे वो गांधी बहुत प्रभावित थे और उस विचार को लिया। और वो कहते हैं, हेनरी डेविड थोरो कहते हैं कि मैंने वेदों के जो वंश पढ़े हैं वो एक ऐसा लगता है कि वो उनको प्रकाशित करते हैं और इस प्रकार से करते हैं जो कि एक प्रकार से एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं। और वो कहते हैं कि प्रकाशित होने के बाद जैसे पूर्णिमा के बाद जो जैसे जो आसमान में तारे निकल आते हैं, उस प्रकार से वो अपने आप को इनलाइटन पाते हैं वेदों को पढ़ने के बाद। ये दिखाता है कि भारतीय जो ग्रंथ है किस प्रकार से जो यूरोपीय या पश्चिमी देशों के लोगों को प्रभावित करते हैं। फिर हेनरी डेविड थोरो कहते हैं कि मैं भगवद गीता के बारे में बहुत जबरदस्त बात कहते हैं कि मैं हर सवेरे जो है अपनी बुद्धि को, अपने अपने इंटेलेक्चुअल को मैं लौकिक दर्शन से, भगवद गीता के शानदार और लौकिक दर्शन से स्नान कराता हूँ और जिसकी रचना देवताओं ने बहुत पहले की थी। और एक प्रकार से आधुनिक साहित्य में जो भी रचनाएं हुई हैं तो वेदों के सामने सभी जो साहित्य हैं बहुत तुच्छ लगते हैं। इस प्रकार से वो वेदों भगवद गीता की बात करते हैं कि किस से दुनिया को प्रकाशमान करने की बात है। और अरविंदो जो क्रांतिकारी भी रहे लेकिन बाद में वो एक प्रकार से दर्शन की ओर वो की ओर अग्रसर हुए और फिर वो भारत के लिए कहते हैं कि भारतवर्ष के बारे में उनके जो शब्द है कि भौतिक रूप से आप कुछ भी नहीं है लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप सब कुछ है। वेदांत, योग और गीता, हम इसको पुनः को रिकवर करना चाहिए और जब और न उन्हें न केवल बुद्धि या भावना में बल्कि अपने जीवन में पुनः प्राप्त करना। तो एक प्रकार से अरविंदो ये बात कहते हैं कि जो बातें गीता में है, योगा में है, जो वेदांत में है, उसको हमको आत्मसात करने की आवश्यकता है। साथियों, यहां तक मैंने जो पहला वीडियो आपके सामने रखा था तो यहां तक मैंने बात की थी और इसके आगे जो आज मैं बात करूंगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। और कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष है क्या? यदि हम ऐतिहासिक रूप से भारतवर्ष का अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं साथी, तो इसमें कई अवधारणाएं हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं और उन्हीं दृष्टिकोणों को लेकर हम आज बात करेंगे कि भारतवर्ष जो नाम है वो आज का नाम नहीं है या संविधान में एकाएक हमने लागू नहीं कर दिया कि इंडिया दैट इज भारत, वो भारत वो नहीं है। भारत के नामकरण के पीछे अलग अलग इसकी अवधारणाएं हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग राय रखते हैं, उस पर ही हम लोग इसमें बात करेंगे। और इसको पुराणों में की अपनी अपनी अलग अवधारणा है, भारत में जो फारसी और यूनानी जो लोग थे उनकी अपनी अवधारणा है और अंग्रेज आए उनकी अपनी एक अवधारणा है। इसी तरीके से जो हम यदि आगे बात करें कि ये कहा गया कि ब्रह्मांड के शास्त्रों के वर्णन के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी ग्रह को भारतवर्ष कहा जाता है लेकिन विशेष रूप से हिमालय के दक्षिण में स्थित महाद्वीप के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया। तो ऐसा मानते हैं कि जब ऐसे तो कहें तो पूरे पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा गया लेकिन यदि उसको बहुत थोड़ा सा गहराई से और सुचता से देखें तो ये महसूस होता है कि हिमालय के दक्षिण में जो स्थित महाद्वीप है उसको हम भारत कहते हैं। और इसको लेके अलग अलग एक नाम आता है जम्बू द्वीप, भारत को ले भारत वह भूमि इसको जम्बू द्वीप के नाम से कहा गया और एक इसको जम्बू द्वीप को एक महाद्वीप या एप्पल ट्री आइलैंड के रूप में देखा गया, कुंडलाकार के रूप में देखा गया कि इसके अलावा जम्बू द्वीप जो है अपने समान छह अन्य जो कुंडलाकार महाद्वीपों से घिरा हुआ है और ठीक वो ध्रुवीय तारे के ठीक नीचे से धुरी पर मेरु पर्वत के चारों ओर केंद्रित है। तो हम लोग जम्बू द्वीप के बारे में बहुत बातें होती हैं और उसी को लेके एक जो पुराणों में ये बात की गई, खास करके विष्णु पुराण में, उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सत्पि। यानी कि उत्तर समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थान जो
जो भूमि है वो भारत है, वही, और उसमें जो जो लोग रहते हैं वही भारत की संतान। तो ये बात हमको विष्णु पुराण में देखने को मिलती है, और ये बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो बड़े देशों के नाम है उनके नागरिक और नस्ल के आधार पर नाम रखे जाते हैं। इस संदर्भ में कहा गया कि भारतवर्ष का नाम वैदिक आर्यों की भरत जाति से लिया गया, क्योंकि यह जाति समकालीन राजनीतिक शक्ति में सबसे आगे मानी जाती थी। तो इस तरीके से ये अवधारणा जो है, इसको हम लोग यदि हम कहें तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि भरत जो है, जो सम्मानित एक प्रकार से ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, भरत कबीले का, जिसमें, और एक युद्ध के बारे में भी हमको मिलता है जो दशराग युग युद्ध कहते हैं, जिसमें एक भरत कबीला था जिसका राजा सुदास थे, और उनका युद्ध जो है 5 आर्य और 5 अनार्य, 10 10 कबीलों के साथ, यानी भरत कबीला वर्सेस 10 कबीलों का युद्ध होता है, और इसमें अंततः जो है भरत कबीले के राजा सुदास का विजय होता है। और ये मानना है कि, और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये उल्लिखित है, और इसी युद्ध के, ये माना जाता है कि चूंकि इस युद्ध में भरत कबीला जीत गया, और उसी प्रभाव में बात कह सकते हैं कि पूरे इस महाद्वीप का नाम जो है भारत रखा गया। ये भी माना जाता है कि भारत वर्ष जो है कोई राजनीतिक शब्द नहीं है और कोई राजनीतिक इकाई नहीं थी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष का अर्थ एक संपूर्ण सभ्यता जिसका क्षेत्र पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल, असम के चलो जंगलों तक, और उत्तर में हिमालय, और देखे से देखकर दक्षिण के केरल के शांत समुद्र तक फैला हुआ है। और भारत के महान राजा सुदास ने अश्वमेध अनुष्ठान या घोड़े की बलि दी, और उन्हें चक्रवर्ती ने असारोहणी सम्राट घोषित किया गया। ऐसी मान्यता है जो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में भी भारतवर्ष एक सार्वभौमिक सम्राट था, एक जिसके ने चारों दिशाओं में फैले भूमि की विशाल क्षेत्र को जीतते हुए विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मैत्रेय पुराण में ये वर्णन मिलता है कि मनुष्य जाति के मूल निवासी मनु द्वारा शासित भूमि का नाम भारतवर्ष है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद में जो मिलता है वो अलग है, ऐतरेय ब्राह्मण में जो बात की गई उसका अपना मंतव्य है। इसी प्रकार से ये मानते हैं कि जो मनुष्य जाति के मूल निवासी जो मनु थे उनके द्वारा शासित जो भूमि है उसको का नाम भरत रहा होगा। तो ये एक, इसके अलावा सनातन जो परंपरा है उसमें भारत के नाम के 3 अलग अलग अवतारों की बात हुई है, जो 3 अलग अलग युग है, जिसमें सतयुग है, और इसके अलावा सतयुग में, जैसा सतयुग की बात है, त्रेता युग और द्वापर युग। तो सतयुग में जब के जो भरत की बात होती है, जो भारत की बात होती है, तो वो भरत जो है वो राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव, जो को हम कह सकते हैं जैन तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर थे, जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें से कह सकते हैं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, और उनकी और उनका जो विवाह जो है नंदा और सुनंदा से हुआ, ये ऐसा जैन पुराण जो आ गया है उसमें ऐसा मिलता है। और ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, उनमें से जो उनका जो बड़ा पुत्र था भरत चक्रवर्ती और सबसे बड़ा प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, और उसी के नाम पे भारतवर्ष पड़ा, ऐसा एक मानना है। और यही भागवत पुराण में ये मानते हैं कि भागवत भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ, इनके 100 पुत्र उत्पन्न, और उनका जो पुत्र भरत था वो सबसे गुणवान था, वही भारत वर्ष का प्रथम चक्रवर्ती। तो इसके ऋषभ देव को लेके भी 2 मान्यता है। पहली मान्यता जो है, जो हम जैन आदि पुराण जो है जिनसेन का द्वारा लिखित, उसकी उसकी जो कहानी मिलती है उससे जो 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 वर्णन मिलता है उससे हम जानते हैं, और दूसरा भगवत पुराण में जो वर्णन, तो हम ये मान सकते हैं कि सतयुग का जो भरत थे वो ऋषभ देव के पुत्र थे और उन्हीं के नाम पर भरत। त्रेता युग में जो दूसरे भरत का जन्म हुआ वो राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे, कह सकते हैं कि राम के छोटे भाई दशरथ जो भरत थे वो, और ये माना जाता है कि जो भरत है वो और राम के छोटे भाई भरत, उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इनसे हम जो है जो 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 उनके उनसे व्यक्तित्व से जो हम वर्च्यूज जो हम पाते हैं वो है प्रेम, भक्ति और बंधुत्व की बात हम का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार से द्वापर युग में जो तीसरे भरत की बात आती है,
ये कहानी, ये जो हम, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमें कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलता है, और उसमें जो जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार तीसरे भरत का जो जन्म है वो हम लोग मान सकते हैं जो द्वापर युग में, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी कहानी, और ये गंधर्व विवाह हुआ था, और उसके पश्चात उनका जो पुत्र था वो बहुत साहसी था, और ऐसा माना जाता है कि बचपन में वो शेरों के साथ खेलता था, और ऐसी भी बात है कि जब बचपन में शेर शेर का मुंह खोल के उसने शेर के दांत गिन लिए थे, और ये बाद में जा चल के इसने पूरे भारत भूमि पर, और कह सकते हैं पूरे इस जम्बूद्वीप का जो क्षेत्र है उस पर शासन किया, और उनके नाम पर ही ये भारतवर्ष पड़ा। इस तरीके से तीन अलग अलग मान्यताएं हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में, और इसमें सब में अलग अलग से ऋषभ देव के पुत्र भरत ने हमें दया, करुणा, ब्रह्म और ज्ञान का जो का एक प्रकार से हम देखते हैं। दशरथ के पुत्र भरत ने हमें प्रेम, भक्ति, बंधुत्व का दुनिया को संदेश दिया। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत ने हमें सेवा, शौर्य और दान का, ये तीन अलग अलग मान्यताएं हैं जो भारतीय भारतवर्ष के बारे में। उसके बाद यदि हम कहें कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि भारत के अलावा एक नाम और हम सुनते हैं हिंदुस्तान, तो साथियों ये बताना चाहूंगा कि जो फारसी लोग हैं वो सिंधु नदी को हिंदू कहते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि वो स को ह नहीं, श को श नहीं बोल पाते थे, स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। ये एक प्रकार से सिंधु का स्थानीकृत रहा, और हिंदू नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले जो लोग होंगे समस्त लोग हिंदू थे, इस प्रकार से भी ये नाम देखते हैं। और हिंदू के जहाँ पे हिंदू निवास कर रहे थे उनका रहने वाला स्थान, तो हिंदुस्तान, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान, ये एक शब्द निकल कर आता है। और इसी प्रकार से ग्रीक मान्यता में हम देखते हैं कि हिंदू के लिए उन लोगों ने इंदू वर्डी किया, और हमको तमाम जो ग्रीक जो लिटरेचर है उसमें हमको इंडस वैली या इंडिक वर्ड मिलता है, जो एक प्रकार से तो वो चीज हम देख पाते हैं। और जब अंग्रेज आए भारत, तो उसके पहले यदि हम बात करें कि 15वीं शताब्दी के बाद, जब वास्को डी गामा चाहे और कोलंबस, मैगलन, ये सारे लोग जब यूरोपीय इधर आते हैं, तो उनके लिए एक एक नाम जो था वो इंडिया, जो जो हम कहते हैं कि जो ग्रीक लिटरेचर में हम चाहे वो अरिस्टोबुलस हो, चाहे एरियन हो, चाहे स्ट्रेवो हो, चाहे मेगास्थेनीज ने अपनी इंडिका लिखी, तो उसके ही माध्यम से हम कहते हैं कि वो इंडिका जो है उसका जो एक प्रकार से बिगड़ता हुआ नाम, फिर या उसको या उसका बाद में अलग जो प्रोनाउंसिएशन निकला वो नाम फिर इंडिया के रूप में, और फिर बाद में देखते हैं कि अंग्रेजों की जो ब्रिटिश कंपनी आती है उसका नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया जो शब्द है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद ज्यादा स्थापित रूप से हमें दिखाई देती है। और यदि हम वर्तमान की बात करें, तो जब देश आजाद हुआ और उसके बाद संविधान सभा, उसके पहले जो संविधान सभा गठन हुई थी, और संविधान सभा की लगातार बहसों के बाद जो हमने स्वीकार किया, दैट वाज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात को हमने किया, यानी कि इंडिया को भी हमने अडॉप्ट किया और भारत को भी किया। तो भारत शब्द ऐसा नहीं है कि 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ और उस दिन से भारत लागू, यानी कि ये भारत बनने की या भारत शब्द के पीछे जो कहानी है वो हम ऋग्वेद तक से लेके पुराणों, उपनिषदों और तमाम उन ग्रंथों में हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो विदेशी साहित्य है उसमें भी, चाहे वो यूनानी साहित्य हो, उसमें भी हम इस बात को देखते हैं। इस तरीके से भारत के नाम को लेके अभी तक जो मैंने बात की साथियों आपसे, वो अलग अलग उसके पहलू थे, और उसमें उस पर बात की, और जब संविधान सभा बनी तो इस पे भारत के नाम को लेकर खूब चर्चा हुई कि भारत का नाम क्या होगा, किस प्रकार की बात होगी। क्योंकि अच्छा एक समस्या और थी, क्योंकि आजाद जो भारत था उसका जो संविधान था वो सेक्युलर था या धर्मनिरपेक्षता की बात थी, तो उसमें एक ये भी समस्या आ रही थी कि कोई ऐसा नाम हम ना रखें जिससे कि किसी प्रकार का कि धर्म विशेष की बात हो। इसलिए हम आप देखेंगे कि जब जैसे भारत आया या इंडिया आया, हिंदुस्तान भी कई बार शब्द आया, लेकिन हिंदुस्तान आने के बावजूद हिंदुस्तान जब नामकरण की बात आई तो हिंदुस्तान जो शब्द है या नाम पर कोई सहमति नहीं बनी या उस पर विचार ही नहीं किया। भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, ये सब उल्लेख किया गया,
लेकिन और खास करके भारत को प्रमुखता से उसपे ये किया गया, भारत नाम होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द पर जब नामकरण की बात आई तो उस पर विचार नहीं किया गया। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि चूंकि हम एक सेकुलर स्टेट थे, जिसको जिसका रेगुलेशन हम लोगों ने पास किया था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा या पंथ निरपेक्ष होगा, इसलिए हमने कोशिश की कि ये कहीं मैसेज ना जाए कि किसी धर्म विशेष से संबंधित नाम ना। इसके अलावा जब आज की बात करें हम, तो पूरे इतिहास में आज जो भारत नाम है वो हमको एक प्रकार से हमारे लिए आत्मगौरव की बात है और हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। और इसको और मुझे लगता है कि जब आइडिया ऑफ भारत को फिर से हमारे बीए के सिलेबस में जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मंतव्य था कि हम अपनी जो खोई हुई जो गौरवशाली परंपरा है, जो हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमारे मोरल्स हैं, जो उन पर उनको हम फिर से रिविजिट करें। और मुझे लगता है कि हम अपने कल्चर को रिविजिट करें, हम भारत के उस संकल्पना को रिविजिट करें, ताकि हम अपनी जो ऐसा कभी कभी हमें महसूस होता है कि हम पश्चिम की तुलना में हम अपने आप को हेय पाते हैं या हम अपने आप को किसी प्रकार से इंफीरियर फील करते हैं, तो वो बात जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो महसूस कर सके कि हमारा हमारी कैसी गौरवशाली परंपरा रही है। तो साथियों, मैंने ये बार बार बात की है कि जो गौरवशाली परंपरा हमारा रही है वो तब से रही है जब दुनिया में कोई सभ्यता नहीं। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं या और उसके पहले की बात करते हैं, और इवन मैं कहूँ कि ऋग्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो साहित्य हमें मिलता है उस समय कंटेम्पररी पूरी दुनिया में उस स्तर का साहित्य हमें दिखाई नहीं देता। तो यह हम कह सकते हैं कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हम यूं ही नहीं कहते साथियों कि हम विश्व गुरु थे या हम बनने का मादा रखते हैं। आज भी हम में पोटेंशियल है, बस जरूरत है उसको सही दिशा में सही तरीके से उसको आगे बढ़ाने की। और इस पर अल्लामा मोहम्मद अल्लामा इकबाल क्या ने जो 16 अगस्त 1904 को अपना तराना-ए हिंद में एक बहुत फेमस अपनी नज्म लिखी थी, और वो आप सभी जानते हैं। और ये बात मैं बार बार याद करता हूँ, और ये हमारे जो गौरवशाली अतीत को बताता है। यूनानो मिस्रो रुमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्रो रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो साथियों, इसलिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये जो मैंने आज प्रस्तुति दी है आपके सामने, उम्मीद करता हूं कि आइडिया ऑफ भारत का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और इसमें जो भी आपको लगता है सुझाव है, क्रिटिकल कमेंट है, आप जरूर दें। और मैं आपसे फिर मिलूंगा नए मुद्दे पर, नए विषय पर बात करने के लिए। और आइडिया ऑफ भारत जो पेपर हमने स्टार्ट किया है उसके और भी जो सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और मैं आपसे पुनः मिलूंगा। थैंक यू सो मच।